This is a question from Profit and Loss. A dishonest shopkeeper promises to sell his goods at its CP. ठीक है, एक शॉपकीपर है जो डिसऑनेस्ट है, वो सीपी पे ही अपना आइटम सेल कर रहा है, ऐसा वो प्रॉमिस कर रहा है। शॉपकीपर का प्रॉमिस है सीपी इज इक्वल टू एसपी, जितने में वो खरीद रहा है उतने में ही वो बेच रहा है, ऐसा वो प्रॉमिस कर रहा है। बट ही यूजेस 30% लेस वेट, लेकिन वो जो है वो वेट में घपला कर रहा है, 30% लेस वेट वो दे रहा है। इफ सपोज कीजिए आपको 1 kg आइटम खरीदने हैं, 1 kg में 1000 grams हो गए, ठीक है, 1000 grams अगर आपको खरीदना है, वो आप जब उसके यहां से ले रहे हो तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या आ रहा है, उसका कॉस्ट प्राइस क्या आ रहा है और सेलिंग प्राइस क्या आ रहा है, ये देखना है आपको, ठीक है। अगर आप 1000 grams ले रहे हैं, वो 30% लेस वेट यूज कर रहा है, इसका मतलब है वो आपको 700 grams आइटम दे रहा है, ठीक है, आइटम का 700 ग्राम आपको दे रहा है, वो आपसे चार्ज कितने आइटम का कर रहा है, 1000 ग्राम का, ठीक है, क्योंकि वो 30% लेस वेट यूज कर रहा है, ठीक है। अब देखिएगा तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा उसका, सेलिंग प्राइस इज 1000, क्योंकि 1000 ग्राम वो बेच रहा है, और कॉस्ट प्राइस क्या है उसका, 700, ठीक है। अगर 1 ग्राम का 1 रुपए कॉस्ट प्राइस है तो 700 ग्राम का कॉस्ट प्राइस क्या हो गया, 700, और सेलिंग प्राइस 1000 ग्राम का क्या हो जाएगा, 1000, तो प्रॉफिट कितना उसे मिल रहा है, वो 1000 रुपए कमा रहा है, और दे कितने का सामान रहा है, 700 का, व्हाट इज द प्रॉफिट, 300, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट क्या है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100%, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 42.6/7% का प्रॉफिट आ जाएगा। बात समझ रहे हैं, देखिएगा कैसे किए, 1 kg सामान खरीद रहा है, 1 kg में 1000 grams, 1000 ग्राम का जब हम उसे पे कर रहे हैं सेलिंग प्राइस, 1000 ग्राम का जब मैं उसे पे कर रहा हूं, तो वो मुझे सामान कितना दे रहा है, 700 ग्राम ही सामान दे रहा है, मतलब उसका लागत कितना आ रहा है, बस 700 ग्राम का उसका लागत आ रहा है। मिस्ट कॉस्ट प्राइस इज 700, सेलिंग प्राइस इज 1000, यहां से प्रॉफिट निकाल के हम लोग प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। इसे और अच्छे से समझने के लिए एक और क्वेश्चन इसी टॉपिक पे देखिएगा। अ शॉपकीपर प्रॉमिस टू सेल हिज गुड्स एट 10% प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना ले रहा है वो 10%, बट ही यूजेस 20% लेस वेट, वेट कितना वो यूज कर रहा है, 20% लेस, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट करना है, देखिएगा कैसे। अगर सिमिलरली हम लोग देख लेते हैं, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम आइटम हमें परचेज करना है, वो कह रहा है 1000 ग्राम का हमें कितने में बेच रहा है, वो 1100 रुपीज में मुझे सेल कर रहा है, 10% प्रॉफिट ले रहा है, 1000 का 10% इज 100, मतलब 1100 में मुझे वो सेल कर रहा है, अगर हर ग्राम में 1 रुपए का पर ग्राम आइटम है तो, ठीक है। और उसका लागत क्या है, और क्या कर रहा है, 10% प्रॉफिट ले रहा है तो 1100 में सेल कर रहा है, और 20% लेस वेट वो यूज कर रहा है, 20% लेस वेट मतलब वो कितना ग्राम आइटम दे रहा है मुझे, 800, तो जितना उसका लागत है, उसका लागत कितना है, 800 ग्राम का, और मुझे दे कितना रहा है वो, 1100, ठीक है। तो उसका सीपी क्या हो जाएगा, ₹800, एसपी क्या है, 1100, सीपी क्या है, 800। यहां से हम लोग प्रॉफिट फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं, एसपी माइनस सीपी दैट इज 300, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकाल सकते हैं, 300/800 × 100%, बस समझ रहे हैं, ये आपका आ जाएगा 37.1/2% प्रॉफिट, ठीक है। देखिएगा यहां पे क्या हुआ, 10% प्रॉफिट था तो 1100 ले लिया एसपी, और 20% लेस वेट दे रहा है, मतलब उसको आइटम कितना देना पड़ रहा है, 800 ग्राम ही, अगर 1 रुपए पर ग्राम है तो ₹800 मेरा सीपी हो जाएगा। यहां से सीपी, एसपी, प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।